हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। डियर, आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। अभी वैसे तो ये सीबीएसई का चैप्टर है, पर अभी ये एमपी बोर्ड में भी ये चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है। तो या फिर हो सकता है किसी दूसरे बोर्ड लाइक आईसीएसई बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड में भी हो सकते हैं ये चैप्टर हो, बट मुझे फ़िलहाल सीबीएसई और एमपी बोर्ड का ही मालूम है। तो ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, राइट। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और स्टोरी में एक डिफरेंसेस होता है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी ये एक रियल स्टोरी है। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो भी रियल है और इसमें जो राइटर ने जो मैसेज लिखा है वो भी रियल है, ठीक है। तो आज हम द लास्ट लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव सीन ऑलरेडी, आई हैव रिटन ऑलरेडी व्हाट वी लर्न। हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, तो एक तो हम कवर करेंगे अबाउट राइटर, यानी अबाउट राइटर के बारे में। एक हम कवर करेंगे मीनिंग्स, एक हम कवर करेंगे कैरेक्टर्स, एक सेंट्रल आइडिया, एक समरी, एक मोरल और क्वेश्चन आंसर्स। इस तरीके से इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स कवर करेंगे और ये 7 टॉपिक्स में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, जिसमें से कुछ आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, कुछ आपके वोकैब को डेवलप करेगा और कुछ आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे अबाउट राइटर के बारे में। तो हम देख लेते हैं अबाउट राइटर। इसमें जो राइटर है अल्फोंसी डॉटेट एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, आप देख सकते हैं सबसे पहले ए नंबर में अबाउट द राइटर। तो अबाउट द राइटर के बारे में मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखा है, क्योंकि यह चूंकि हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो हम एक राइटर के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। आपको अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं अल्फोंसी डॉटेट, तो ये आपको ऑलरेडी उस चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने फिलहाल 2 लाइन लिखा है ताकि इससे आपका जो पर्सनालिटी है वो आपको डेवलप हो, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिले। तो अल्फोंसी डॉटेट वॉज वेरी नाइस पर्सन, यानी ये बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, यानी वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, यानी वो नॉवल तो लिखते थे लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर लिखते थे, राइट। एंड स्टोरी शॉर्ट स्टोरी टेलर, और छोटे छोटे कहानी भी लिखते थे। तो ये बेसिक मैंने 2-3 लाइन यहाँ पे मैंने बताया कि अल्फोंसी डॉटेट बहुत अच्छे इंसान थे, ये एक नॉवलिस्ट भी थे और साथ में छोटे छोटे स्टोरीज भी लिखते थे। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप गूगल में जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो द लास्ट लेसन जो राइटर है अल्फोंसी डॉटेट, इसके बारे में आज हमने सीखा। और अगली बार फिर हम नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे मीनिंग्स के बारे में, यानी ये जो चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन सा मीनिंग्स है जो अक्सर एग्जाम में कभी कभी आता भी है, और इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी काफ़ी डेवलप करता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो मीनिंग्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर करते हैं, ठीक है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने सीखा था सबसे पहले अबाउट राइटर के बारे में, राइट, और अब हम सीखेंगे मीनिंग्स के बारे में। अबाउट राइटर का मतलब होता है राइटर के बारे में, और मीनिंग्स का मतलब होता है अर्थ, यानी हर चैप्टर में चाहे वो पोएम हो या नॉवल्स हो या स्टोरी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको मालूम नहीं रहता है। तो उसको अगर हम याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखने में भी ईजी रहता है, और अगर हमारा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो वो भी हमारा काफ़ी डेवलप हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत आपका टेक्स्ट बुक है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका नॉलेज हमको होता नहीं है। तो अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो क्या होगा, चैप्टर को भी समझना आसान होगा, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। और क्वेश्चन में अगर कोई कभी कोई सिनोनिम्स दे दिए, पर्यायवाची दे दे, तो आप इजीली एक नंबर ला सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे मीनिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स लिख रखा है, यानी अभी जो इस मैंने बोर्ड में पूरा मीनिंग्स लिखा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स है इस चैप्टर के अंदर। तो
अभी आपको एक बिल्कुल कंप्यूटर फॉर्मेट में एक पूरा मीनिंग्स का लिस्ट मिल जाएगा, तो उसको देख देख कर आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो कैस किस टाइप का रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस चैप्टर में एक वर्ड है वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो ये हो गया मेन वर्ड जो टेक्स्ट बुक में है, और ये हो गया उसका हिंदी अर्थ। और सेम टू सेम सिनोनिम्स भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो वॉर का सिनोनिम्स क्या होता है? फाइटिंग, यानी लड़ाई करना, राइट। नेक्स्ट आता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है असर होना, इसको मैंने लिख रखा है फॉलेन, फॉलेन ऑन सम रीजंस, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एंड जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रभाव, है ना। तो ऐसे आपको और भी बहुत सारे कंप्यूटर फॉर्मेट में अभी आपको एक कुछ मीनिंग्स का लिस्ट स्क्रीन पे दिखेगा, तो उसको देख देख कर आप जरूर याद कर लेना। इसका दो बेनिफिट है, जैसे मैंने एक कहा आपके आपके एग्जाम में आपको वो हेल्प करेगा, राइट। और दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में भी यानी बातचीत करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप जरूर याद कर लेना। और आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो बेटर है कि आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम करने वाले हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा, ओके। माई डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन यानी क्लास 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक्स का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी फर्स्ट लास्ट लेसन का पहला पार्ट अबाउट राइटर के बारे में यानी अल्फोंसी डॉटेट के बारे में हम सीख चुके हैं। फिर हमने सीखा मीनिंग्स, यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी कठिन कठिन जो मीनिंग्स है, जो टफ मीनिंग है विच इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसके बारे में हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर और कैरेक्टर्स दोनों में अंतर है, राइट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने एक लिखा कैरेक्टर, ठीक है, और एक मैंने लिखा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, और कैरेक्टर्स का मतलब होता है नाटक करने वाला, नाटक करने वाला। यानी कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र यानी स्वभाव। जैसे आप किसी को बोल सकते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, यानी तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं, तो ये हो गया कैरेक्टर। लेकिन इसके साथ अगर आप एस ऐड कर दोगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा, फिर चरित्र नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, किसी भी नाटक में, किसी भी मूवीज में, किसी भी सीरियल में जो अभिनेता होता है, जो अभिनेत्री होते हैं, जो साइड रोल करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स यानी नाटक करने वाला। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसके अंदर ढेर सारे कैरेक्टर्स है, टप्पू सेना, जेठालाल, उसके बाद दया भाभी, तारक मेहता, पोपट लाल, हाथी भाई। जैसे सीआईडी के अंदर 4-5 कैरेक्टर्स है, जैसे दया है ना, जैसे एसीपी प्रद्युमन, जैसे छोटा भीम के अंदर कैरेक्टर है, डोरेमोन के अंदर कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स मतलब होता है नाटक करने वाला। तो इस जो लास्ट लेसन है इसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स है। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम कैरेक्टर्स को याद क्यों करें, देखो कैरेक्टर्स को याद करने से क्या होता है, क्वेश्चन जब हम लिखते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर्स वो हमको ईजी होता है समझने, प्लस कहानी में इंटरेस्ट आता है। जैसे कोई मूवी अगर आप देखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप यही सोचोगे कि इस मूवी का कैरेक्टर कौन है, यानी हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, तो मज़ा आता है। तो इसी प्रकार आज हम सीखेंगे कि ये जो लास्ट लेसन था इसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर्स है। तो देखो इसके अंदर बेसिकली 5 कैरेक्टर्स है जिसको लेकर ये पूरी कहानी है, ये पूरी ऑटोबायोग्राफी है। तो पहला जो कैरेक्टर है ना, जो मेन है कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर नहीं कैरेक्टर्स, वो है फ्रांस, ठीक है। तो ये फ्रांस कौन था? एक स्टूडेंट, यानी इस जो स्टोरी है ना जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो समरी अगर हम आगे पढ़ेंगे ना सारांश, उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रांस के बारे में। तो अगर आपको पहले से कैरेक्टर्स पता रहेगा ना, तो क्या होगा, आपको मेरी कहानी
समझने में बहुत आसान होगा। नॉट ओनली मी, कोई भी टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि वो जो स्टोरी है, वो जो पोएम है, उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो इसमें पहला कैरेक्टर कौन है? फ्रांस। फ्रांस कौन है? एक स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर कौन है? मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन है? अ फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। यानी इस स्टोरी के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर है वो कौन है? मिस्टर हैमल, ठीक है। उसके बाद विलेजर्स, इस स्टोरी में कुछ विलेजर्स भी हैं। तो विलेजर्स कहाँ के विलेजर्स हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेबर्स ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस जो देश है उस देश के जो नेबर्स है, जो पड़ोसी है, वो सब विलेजर्स हैं। उसके बाद आता है बिस्मार्क, यानी इस स्टोरी में एक बिस्मार्क नाम का भी एक इंसान है, जो पर बिस्मार्क कौन है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है लीडर ऑफ रशियन सोल्जर्स, यानी रशियन सोल्जर्स का जो लीडर्स था उसका नाम क्या था? बिस्मार्क। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? सोल्जर्स यानी सैनिक। तो वो सोल्जर्स कहाँ के सैनिक है? फ्रांस या रशिया? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रशियन फाइटर्स, यानी रशिया का जो लीडर था बिस्मार्क, उनके साथ कुछ सोल्जर्स भी थे जिन्होंने फ्रांस पर कुछ किया था। तो वो क्या किया था वो हम सेंट्रल आइडिया और समरी में स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, ये जो लास्ट लेसन, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स। पहला है फ्रांस, दूसरा है मिस्टर हैमल, तीसरा है विलेजर्स, फोर्थ है बिस्मार्क एंड फिफ्थ है सोल्जर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रांस कौन था, आप बोल सकते स्टूडेंट था। मिस्टर हैमल कौन था, तब कह सकते फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर था। विलेजर्स कौन थे, तो विलेजर्स वो थे जो फ्रांस के विलेजर्स। बिस्मार्क कौन था, लीडर था, कहाँ का लीडर? रशियन सोल्जर्स का। और सोल्जर्स कौन थे, वो फाइटर्स जो रशियन के लिए फाइट कर रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गया, और साथ में मैंने आपको एक जनरल नॉलेज भी दे दिया कि कैरेक्टर और कैरेक्टर्स में अंतर क्या होता है और कैरेक्टर्स याद करने का फ़ायदा क्या होता है। देखो यार, स्टडी करने का दो पर्पज़ होता है, एक तो एग्जाम के बेस पर स्टडी करते हैं और एक होता है नॉलेज के बेस पर स्टडी करते हैं। हमको ना सिर्फ एग्जाम के बेस पर स्टडी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पास हो जाए, हमको पास के साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को कम मार्क्स भी मिलता है। तो अगर आपको कम मार्क्स मिलता है ना, वहाँ पर आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, लाइफ को ऊंचाई तक लेकर जा सकते हो। इसलिए जो स्टडी के साथ साथ जो उनको नॉलेज मिलते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, उस एक्स्ट्रा नॉलेज पर भी हमको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम यही इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी और भी वीडियो बहुत सारे बनेगा, जैसे इसी में रहेगा सेंट्रल आइडिया, समरी, मोरल एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके बाद आपको देखना पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो इसको आप स्टडी करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। सो माई डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने तीन टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक है अबाउट राइटर के बारे में, सेकेंड टॉपिक्स था मीनिंग्स, एंड थर्ड टॉपिक्स था कैरेक्टर्स। अबाउट राइटर स्टडी करने से ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाता है, राइट। सेकेंड है मीनिंग्स। मीनिंग्स याद करने से दो फायदा होता है, एक एग्जाम में कभी कभी सिनोनिम्स आता है या कभी कभी उसको एंटोनिम्स कर दिया जाता है। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको मीनिंग्स से एक नंबर मिल सकता है, दो नंबर्स मिल सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट्स होता है कि कई बार जो इसका मीनिंग्स होते हैं उससे क्वेश्चन आंसर भी रिलेटेड होते हैं, तो वो समझने में आपको बहुत आसान होगा। एंड थर्ड नंबर है कि मीनिंग्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, राइट। तो ये आपको याद करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, और इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगा कि लोगों के बारे में स्टडी करने से हमको भी पता चलता है कि उन्होंने जीवन में कैसे लाइफ में आगे बढ़े, राइट। अब आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, कैरेक्टर्स मतलब होता है किसी भी स्टोरी, किसी भी पोयम में जो एक्टिंग करता है। तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है, इसको याद करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको स्टोरी समझने में बहुत आसान होगा, और स्टोरी से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो हम करने वाले हैं वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया होता क्या है? देखो, आइडिया का मतलब होता है सोच, और
कॉन्सेप्ट, और सेंटर का मतलब होता है बिल्कुल केंद्र, यानी बीच का सोच, यानी ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन को शॉर्ट में समझना, लाइक एक या दो लाइन या तीन लाइन, है ना। पूरे स्टोरी को अगर आप डिटेल में समझाएंगे अच्छे तरीके से तो उसको बोलेंगे हम समरी, और उस स्टोरी को अगर शॉर्ट में समझाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल आइडिया। इसका मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप देखना, जब कभी कोई भी मूवीज आता है लाइक हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज या साउथ इंडियन मूवीज, तो उस मूवी जब रिलीज होता है उसके पहले देखना टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर एक या डेढ़ मिनट का एक ट्रेलर आता है। उस ट्रेलर से क्या पता चल जाता है, हमको पूरी मूवीज के बारे में पता नहीं चलता, उस ट्रेलर से हमको बस इतना पता चल जाता है कि वो मूवी किस बारे में है, उसमें एक्शन मूवी है या हॉरर मूवी है या कॉमेडी मूवी है या रोमांस मूवी है, इस टाइप का हमको पता चल जाता है। कभी कभी कुछ कुछ ट्रेलर में सॉन्ग्स भी होते हैं, हल्के फुल्के एक्शंस भी होते हैं, फाइटिंग्स भी होते हैं और एक नाम्स, राइट। तो ट्रेलर उस लैंग्वेज में है, मूवीज के लैंग्वेज में, एंटरटेनमेंट के लैंग्वेज में और स्टडी के लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल आइडिया, यानी पूरी कहानी को शॉर्ट में समझाना और एक सस्पेंस छोड़ देना। और उस सस्पेंस को जानने के लिए या तो आप पूरी कहानी को वन टू वन करके पढ़ो या फिर उस कहानी के एक मेन पार्ट पूरा निकाल लो अच्छे तरीके से, जिसको हम बोलते हैं समरी। ये तो हम आगे करेंगे, अभी आपको मैंने ये समझा दिया सेंट्रल आइडिया। तो इस जो स्टोरी है ना द लास्ट लेसन, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्यों? क्योंकि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी रियल है। इसके अंदर जो कैरेक्टर था ना फ्रांस और वो जो मिस्टर हैमेल, ये रियल था और रियल स्टोरी के ऊपर ही इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उन्होंने एक्टिंग किया है, राइट। तो इसलिए ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए मदर टंग, ये स्टोरी जो है ये मदर टंग के ऊपर है, यानी मातृभाषा के ऊपर है। इसमें मातृभाषा क्या है वो हम आगे देखेंगे। इट इज रिटन दैट टाइम व्हेन रशियन अटैक्ड इन फ्रेंच, फ्रेंच नहीं होगा यहाँ पे, मैंने गलत लिखा है, फ्रांस होगा, फ्रांस। यानी ये स्टोरी तब का लिखा गया है जब रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो लास्ट लेसन है ये फ्रांस के ऊपर कहानी है, और ये तब की कहानी है जब रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, और ये कहानी एक्चुअल में मदर टंग के ऊपर है, यानी मातृभाषा के ऊपर है। तो देखो रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया ये तो है, लेकिन मातृभाषा क्यों मेंशन किया, ऐसा क्या है? जैसे हमारे मातृभाषा है हिंदी, हमारा दूसरे देश का मातृभाषा इंग्लिश, तो यहाँ पे मदर टंग से रिलेटेड कहानी है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी ये कहानी पढ़ने में हमको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी। देखो स्टोरी बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल अलग होता है। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी के अंदर डिफरेंस क्या है, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। स्टोरी पढ़ने का मज़ा कुछ और है, बायोग्राफी पढ़ने का मज़ा कुछ और है, और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मज़ा तो बहुत ही बिल्कुल अलग है। तो ये था सेंट्रल आइडिया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लास्ट लेसन एक मातृभाषा के ऊपर है और लास्ट लेसन एक रियल स्टोरी है, और ये तब का स्टोरी है जब रशिया ने फ्रेंच पर आक्रमण किया, फ्रांस पर आक्रमण किया। जैसे हम इंडिया है, हमारे इंडिया के ऊपर भी अंग्रेज लोगों ने आक्रमण किया था, मुगल ने आक्रमण किया है, ठीक है। तो हमने किस तरीके से आगे बढ़े हैं इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इस स्टोरी का, और इसको और डिटेल में समझना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समरी, ठीक है। हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। डियर लास्ट टाइम हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे द लास्ट लेसन चैप्टर के अंदर, राइट। जो फर्स्ट चैप्टर था फ्लेमिंगो बुक के प्रोस के पार्ट के अंदर, ओके। तो
हमने एक अबाउट द राइटर के बारे में सीखा, यानी अल्फोंसी डॉटेट के बारे में सीखा। फिर हमने मीनिंग्स भी देख लिया, मीनिंग्स भी हमने याद कर लिया, जो अगर एग्ज़ाम में कभी आता है तो वो हम याद कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा। देन आफ्टर हमने कैरेक्टर सीखा, यानी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन कैरेक्टर्स है जो मेन मेन रोल प्ले कर रहा है। साथ में हमने सेंट्रल आइडिया भी सीखा कि ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है ये किस बारे में है, किस टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर है, राइट। आज हम करेंगे समरी, यानी सारांश, यानी ये जो आपका बुक है, ये जो आपका फ्लेमिंगो बुक है, ये जो आपका फ्लेमिंगो बुक है, इस बुक के जो चैप्टर है वो चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको स्कूल में वो चैप्टर आपको समझाए होंगे लाइन टू लाइन करके, ठीक है। और मैं भी इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का लाइन टू लाइन करके। लेकिन लाइन टू लाइन करके अगर मैं आपको समझाने जाता हूँ तो उसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं आपको पूरी कहानी शॉर्ट में अभी आपको समझा दूंगा। और मैं आपको जो समझाऊंगा उसका एक समरी भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगा, तो आप उसको क्या करना देख लेना। अगर आप अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर उसमें आपको कहीं कन्फ्यूज हो, राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं ये समरी, यानी ये जो लास्ट लेसन है इस चैप्टर के, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो किस तरीके से होता है। तो देखो ये जो कहानी है ना, ये कहानी बहुत ही क्या बोलूँ उसको, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के स्टोरी है। आप देखना अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि टीचर्स अगर क्लासरूम में हमको कोई टॉपिक दे देता है तो हम उस टॉपिक को अगर कवर नहीं कर पाते तो हम उस दिन क्या करके स्कूल नहीं जाते, ऐसा कई बार होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर रहता है कि अगर हम वो टॉपिक याद करके नहीं जाए तो टीचर हमको मारेंगे। ऐसा मैनी टाइम्स स्कूल में होता है। या फिर मान लो अगर आपका वो चैप्टर नहीं हुआ है तो हम ऐसे भी सोचते हैं कि आज वो टीचर हमारे क्लासरूम में नहीं आए, या फिर प्रिंसिपल कुछ और एक्टिविटी क्लासेस करवा दे, या फिर हमारा जो फेवरेट टीचर है वो हमारे क्लासरूम में डबल पीरियड ले ले। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शंस होता है हमारे दिमाग में, उस स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर स्टूडेंट है उसने अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो कई बार वो स्कूल भी नहीं जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट इस चैप्टर में भी हुआ है, द लास्ट लेसन चैप्टर के अंदर। और ये कहानी तब का है 1870 के आसपास, ठीक है, 1870 के आसपास ये जो कहानी है ये तब का हुआ था जब फ्रांस के ऊपर किसने, रशिया ने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। 1870 के आसपास जब रशिया ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किए थे, अटैक किए थे, तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट था, है ना, एक था एलेस, ऐसा कुछ एक डिस्ट्रिक्ट था, और यहाँ पर और एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को क्या किए थे फ्रांस ने, यानी रशिया ने फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना अधिकार जमा लिए थे, राइट। अब क्या हुआ, उस समय इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो फीलिंग्स हुआ था, जो भावनाएं जागा था, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रांस, ठीक है, क्या नाम था, फ्रांस। और ये फ्रांस बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इसके जो टीचर थे उनका नाम था मिस्टर हैमेल, मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेल किस टाइप के स्टूडेंट, मतलब टीचर थे, ये काफी डेडिकेटेड थे, डेडिकेटेड थे और टाइम का काफी पंक्चुअल था, ठीक है, और हार्डवर्किंग था, तो
तो ये तीन क्वालिटी इसके अंदर, और साथ में मिस्टर हैमिल एक स्ट्रिक्ट टीचर भी थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर मिस्टर हैमिल। तो मिस्टर हैमिल ने एक फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर, कौन थे मिस्टर हैमिल, एक फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर, जैसे ठीक है, तो मिस्टर हैमिल कौन थे, एक फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि ये जो कहानी है ये 1870 के है, और 1870 को क्या हुआ था, रशिया ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था। अटैक कहाँ पर किए थे, इनका जो दो डिस्ट्रिक्ट था वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये कहानी कब का है, तो ऐसी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट पे एक स्कूल था, तो उस स्कूल की ये कहानी है। उस स्कूल में एक टीचर था जिनका नाम था मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर थे, यानी ये फ्रेंच पढ़ाते थे, है ना। और मिस्टर हैमिल का स्वभाव कैसा था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर के साथ साथ इनके अंदर कुछ क्वालिटीज भी था, जैसे ये काफ़ी डेडिकेटेड थे। डेडिकेटेड मतलब होता है लगन, पंक्चुअल मतलब होता है समय के बहुत पक्के, और हार्ड वर्किंग मतलब होता है जो कभी थकता नहीं है, काफ़ी काम करते रहते। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक स्पेशल स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रांस। फ्रांस वैसे तो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन इनको एक लैंग्वेज से डर था, और वो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज। इस लैंग्वेज से इसको क्या था, फियर था। वैसे ये तो बहुत गुड स्टूडेंट था, राइट, ये गुड स्टूडेंट था, लेकिन इसको फ्रेंच लैंग्वेज से क्यों डर लगता था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टर हैमिल जो भी चैप्टर्स पढ़ाते थे या फिर होमवर्क देते थे, मिस फ्रांस उस काम को नहीं कर पाता था, यानी नॉट कैपेबल, ठीक है, उस काम को फ्रांस बिल्कुल नहीं कर पाता। तो एक बार ऐसे ही हुआ, मिस्टर हैमिल ने फ्रांस को ने पूरे क्लासरूम को एक चैप्टर दिया था। तो ग्रामर में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम था पार्टिसिपल, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप पार्टिसिपल सीख जाओगे ना तो इंग्लिश सेंटेंस बनाने में बहुत इजी होता है। तो जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं, ऐसे हर लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स होते हैं, हिंदी में भी होते हैं ना, नाम बदल जाता है। तो मिस्टर हैमिल ने क्लासरूम में सबको पार्टिसिपल्स चैप्टर दिए थे और कहा था कि कल मैं ये चैप्टर सबसे पूछूंगा, और जिसने भी आंसर नहीं दिया उसको पनिशमेंट मिलेगा। चूंकि फ्रांस को तो ऑलरेडी फ्रेंच लैंग्वेज पसंद था ही नहीं, है ना, उनका क्लास भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर थे, और साथ में चैप्टर्स भी दे दिया। तो फ्रांस जब रात को घर पर गया तो उसने जाके देखा कि यार मुझे तो ये चैप्टर समझ में आ ही नहीं रहा है, अब इसको मैं कैसे करूँ, कल तो सर हमसे पूछेंगे। तो उसने सोच लिया कि अगले दिन वो स्कूल नहीं जाएगा, क्या नहीं करेगा, अगले दिन वो स्कूल नहीं जाएगा, यानी ये जो स्कूल था उसने सोच लिया कि मैं बंक करूँगा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नो गो टू स्कूल, ठीक है। उसने ये सोच लिया कि अगले दिन स्कूल नहीं जाऊँगा, इसलिए वो आराम से अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास उठे, एकदम खुश होकर, ठीक है, काश तो मुझे सर मारेंगे। जब वो सुबह उठे तो सुबह के जो सूरज की रोशनी था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शाइनिंग था, ठीक है, मतलब सुबह का जो मौसम था काफ़ी अच्छा था, पूरा क्लीन था, बादल एकदम सूरज की रोशनी दिख रहा था। जैसे कभी कभी होता है ना कि सुबह सुबह देखना मौसम बहुत अच्छा होता, क्लीन रहता आसमान, पूरा बादल क्लीन दिखता, नो बादल नो क्लाउड। तो वो उठे आराम से, उसने सोचा कि कहीं घूम कर चलते हैं। तो उस दिन का नेचर भी जो था, नेचर भी बहुत अल्टीमेट था, नेचर भी बहुत अल्टीमेट था, यानी मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रहा था। तो मिस्टर हैमिल ऐसे ही 10 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे मिस्टर फ्रांस जब जा रहे थे तो उसका दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने सोचा एक बार जाके मैं स्कूल में देखूं,
कि सर क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, रास्ते से रास्ता अपने बदले। तो जब रास्ता बदल रहे थे तो उसने देखा कि रास्ते में काफ़ी भीड़ था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हर जगह पर पुलिस था और एक जगह नोटिस बोर्ड था जहाँ पे फ्रांस रहता था। तो उस समय तो अपना मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह नहीं था, जब भी कोई इंफॉर्मेशंस देना होता था तो वो क्या करते थे, नोटिस बोर्ड में जारी कर दिया जाता है। जैसे आप देखना तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर एक नोटिस बोर्ड रहता है जहाँ पे भी अपना पूरा मैसेज लिखते हैं कि हमारे सोसाइटी में ये होने वाला है, या इस बार से ये जारी होने वाला है। या फिर पुराने मूवीज़ में भी आप देखना, पुराने शो में भी देखना, ऐसे बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, ऐसे ढोल बजा बजा के आज से कर बढ़ाया जाएगा, या फिर आज से आप लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा, ऐसे कुछ। तो पहले इंफॉर्मेशन ऐसे दिया जाता है और बाद में फिर न्यूज़पेपर आ गया, अभी तो हम लोग को मोबाइल में मिल जाता है। तो जब वो फ्रांस रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा आसपास बहुत सारे भीड़ है, कुछ जगह पर बहुत सारे पुलिस खड़े हुए हैं, उसके बाद सैनिक खड़े हुए, सोल्जर्स खड़े हुए हैं, पुलिस इन द सोल्जर्स खड़े हुए हैं। और तो फ्रांस को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि ये सोल्जर्स कौन थे। हो सकता है कि कुछ गाइडेंस करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए सोल्जर्स यहाँ पर खड़े हैं। फिर जहाँ पर हमेशा नोटिस जारी होता है वहाँ पे भी देखना, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े होकर नोटिस पढ़ रहे। पर फ्रांस ने उन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, उसने रास्ता चेंज करते हुए स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। जब स्कूल की तरफ बढ़ने लगे तो स्कूल बिल्डिंग की तरफ जैसी वो आए, ठीक है, तो स्कूल बिल्डिंग की तरफ आने के बाद वो धीरे से जो उनका जो क्लासरूम था वो क्लासरूम के खिड़की के बाहर आकर चुपचाप छुपके छुपके वो सर को देख रहे थे कि मिस्टर हैमर यानी उनके सर क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या उनको मार रहे हैं, क्या उनको पीट रहे हैं। तो जो फ्रांस था वो फ्रांस जैसे ऐसे करके पिपिंग किए यानी खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो जस्ट उल्टा देख फ्रांस एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया मेरे सर को। तो उसने देखा कि सर जो थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और पूरे क्लासरूम में बच्चे जो थे शांत बैठे हुए, यानी रोज जैसे होता है कि कोई बच्चे कान पकड़ के खड़े हैं, कोई मुर्गा बन के बैठे हैं, कोई क्लासरूम के बाहर हैं, सर इधर उधर घूम रहे डंडे लेकर, पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग हैपनिंग इन द रनिंग क्लासरूम, द मिस्टर हैमिल वॉज सिटिंग साइलेंटली एंड ऑल द स्टूडेंट्स वॉर सिटिंग ऑल्सो ऑन द बेंच साइलेंट। तो पहला तो उन्होंने ये सीन देखकर उनको दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया, उसने सोचा ऐसा क्या बात है, क्या बात है। फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँ, जो तो उसने क्या किया, अंदर जाने से पहले सोच रहे थे कि अगर मैं अंदर चले जाऊँ तो सबसे पहले तो मिस्टर हैमिल मुझको बुलाएंगे कि मिस्टर फ्रांस इधर कम हेयर, आज तुम लेट क्यों हुए। तो फिर बोलेंगे शो मी योर हैंड्स, और फिर उनके हाथ में हमेशा एक रॉड रहता था जिस रॉड से वो मारते थे, रॉड के एक हैमर रहता था यानी लकड़ी टाइप का। तो उसने सोचा कि उससे मारेंगे। तो डरते डरते तो अंदर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो मिस्टर हैमिल उनकी तरफ देखा, फ्रांस ने भी उनकी तरफ देखा डरे हुए। पर इट वॉज अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग विथ फ्रांस दैट डे, दैट वॉज नेवर फ्रांस थॉट। कि उस दिन फ्रांस ने देखा कि बहुत ही अजीब चीज़ जो लाइफ में पहली बार फ्रांस के साथ हुआ, मिस्टर हैमिल ने उनको कुछ भी नहीं बोला, उसको कहा तुम जाके बैठ जाओ। ये चीज़ देखकर मिस्टर फ्रांस को अजीब लगा स्टूडेंट को कि आज मेरे सर को क्या होगा, आज मेरे सर ने कुछ भी नहीं बोला। तो फ्रांस ने जाके क्या किया, क्लासरूम के सबसे लास्ट वाले बेंच पे जाकर बैठ गए, यहाँ पर जाकर बैठ गए। जब यहाँ पर जाके बैठ गए तो उसने सेकेंड क्या डिफरेंस देखा कि मिस्टर हैमिल ड्रेस पहने हुए थे, यानी वो ड्रेस जो नॉर्मली किसी एनुअल फंक्शन में, किसी शो में, इनोग्रेशन में स्कूल में पहने हुए, ऐसे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। और लास्ट बेंच नॉर्मली हमेशा खाली रहता, लेकिन उस दिन लास्ट बेंच में पूरा मतलब उस गांव के जितने भी विलेजर्स थे ना वो सब उस गांव में बैठे थे, यानी उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो आसपास के जो गांव के जो वासी थे, नेबर्स थे, वो लोग सब उस विलेज में वहाँ पर बैठे थे और स्टूडेंट्स भी चुपचाप बैठे थे और फ्रांस के फैन हैमिल भी क्लासरूम में चुपचाप बैठे थे। तो
तो ये सीन देखकर मिस्टर फ्रांस को लगा कि आज क्या हो गया, मतलब पहले तो मेरे सर ने मुझको मारा नहीं, दूसरा पार्टिसिपल्स को रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, और तीसरा मेरे सर इतने सज धज के बैठे हैं, गांववासी बैठे हैं, हुआ क्या है। तो तभी मिस्टर फ्रांस उठे, मिस्टर हैमेल ने खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद वो सभी जो क्लासरूम में बैठे थे सबको एक मैसेज देना चालू किया कि आज हमारा जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, ये दिन आज हमारा अंत है। कल से मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, कल से फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं पढ़ाया जाएगा, कल से रशियन लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि रशिया ने हमारे देश के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है, यानी आज ही हमारा फ्रीडम है, कल से हम फ्रीडम नहीं रहेंगे, हम रशिया के अंडर में गुलाम बन जाएंगे। सो जिसको भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है आज ही सीख लो, कल से हम नहीं सीख पाएंगे। ये मैसेज बोलकर उसने फ्रांस को बुलाया, और फ्रांस को पास में बुलाते से ही उसने फ्रांस को समझाया कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ये बहुत इजी लैंग्वेज है, इसकी अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छा है, हमें इसको सीखना चाहिए, तुम्हें भी इसको सीखना चाहिए था, पर तुमने काफ़ी समय गवा दिए हैं, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और कल से तुम ये लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाओगे, कल से तुमको वही लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जो रशिया हमको आदेश देंगे। उनकी ये बात सुनकर फ्रांस के मन में काफ़ी दुख उठता है, और वो सोचते हैं कि अब तक हम जिस चीज़ को नफरत करते थे, अब वो चीज़ सच में हमसे दूर होने वाला है, इतने दिनों तक मैं इससे भाग रहा था, आज ये मुझसे भाग रहा है, तो ये मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने मातृभाषा जो है, हमारा देश का जो भाषा है, वो हमें सीखना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा एक पहचान है ना, जैसे होता है ना, गुजरात में चले जाओगे तो गुजराती भाषा उनकी पहचान है, महाराष्ट्र में चले जाओगे तो मराठी भाषा हमारा पहचान है, मध्य प्रदेश में मालवी भाषा पहचान है, साउथ में तमिल, तेलुगु, बंगाल में चले जाओगे तो बंगाली, ऐसे हर देश में, जैसे अपने इंडिया में हिंदी है ना, अमेरिका में इंग्लिश, चाइना में चाइनीज, तो अपने हर देश में अपनी भाषा का पहचान होता है, तो हमें दूसरे लैंग्वेज तो सीखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी मातृभाषा, अपने नेटिव लैंग्वेज, अपना जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी हमें सीखना चाहिए, लेकिन अगर हम इस चीज़ से भागते जाएंगे तो एक दिन ये भी हमसे दूर होता जाएगा। ये चीज़ फ्रांस को महसूस हो गया, और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर हैमेल फ्रांस की तरफ देखा, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से देखा, और मिस्टर फ्रांस भी मिस्टर हैमेल की तरफ देखा, लेकिन डर से नहीं, रेस्पेक्ट से। यानी जो मिस्टर हैमेल था और मिस्टर फ्रांस था, इन्होंने इससे रेस्पेक्ट के साथ देखा, और मिस्टर हैमेल ने फ्रांस की तरफ प्यार से देखा, यानी लव से। इतने दिनों तक वो गुस्से में उसको देखता था, और ये उसको डर से देखता था, लेकिन आज दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग जम गया, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, फ्रांस को भी समझना गया कि जो मेरे सर थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो हमारे भले के लिए हमको इस लैंग्वेज को पढ़ाते थे, और मिस्टर हैमेल को भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर ज़्यादा ही कुछ शक्ति फेस किया था, इसलिए मुझसे भाग रहा था, अगर मैं इसको समझाता तो शायद ये समझ जाता। लेकिन खैर, समय तो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि 12 बजे तक ही लास्ट इन लोगों का अधिकार का, मतलब अपना फ्रीडम का टाइम था। फिर सडनली क्लॉक बजता है, क्लॉक में क्या टाइम होता है, फिर सडनली मिस्टर हैमेल खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर बोल देते हैं कि हमारा समय ख़त्म हो गया, क्योंकि घड़ी में 12 बज जाते हैं, यानी टाइम आउट, ऐसे करके जैसे ही बेल बजने लगते हैं तो सभी क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे 12 बजते हैं तो मिस्टर हैमेल भी खड़े हो जाते हैं, मिस्टर फ्रांस खड़े हो जाते हैं, गांववासी खड़े हो जाते हैं, उस क्लासरूम के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, और मिस्टर हैमेल एकदम से स्ट्रेट बॉडी खड़े होते हैं,
और बोर्ड की तरह ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मैं खड़ा हुआ, और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं, दीपा, मैं इसको थोड़ा सही ढंग से लिखता हूँ, फ्रांस। इस लाइन का मतलब होता है फ्रांस की जय हो, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना जय हिंद, तो विवाला फ्रांस ये अपना बोर्ड में लिखते हैं और फिर फ्रांस सर को देखते रहते हैं, गांव में से सर को देखते रहते हैं, उस क्लास के जितने भी बच्चे थे वो भी सर को देखते रहते, लेकिन मिस्टर हैमिल क्लास से निकले। तो ये था ये लास्ट लेसन की कहानी, और वही फ्रांस के जीवन का वो जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो लास्ट था। ये घटना सच में हुआ था 1817 को, कि 1817 को जब रशिया आ गए थे फ्रांस के ऊपर अधिकार जमाने, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल था, बहुत सारे घर था, लेकिन एक ऐसी घटना अल्फोंसी डॉटर ने यहाँ पर व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। तो इस कहानी का मोरल तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आप लोगों को, अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीवन में जो चीज़ हमारे पास होते हैं हमें उसको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए। भले कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ये सोचकर कि जरूर इसके पीछे कुछ कारण है, तभी ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है। अब चाहे घर पे मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं, या बहन भाई के साथ लड़ाई हो रही है, या क्लासरूम में टीचर्स आपको डांट रहे हैं, किसी भी चीज़ों से आपके साथ अगर टूटू मैं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इसका रीज़न जानना है। विदाउट रीज़न के कभी भी कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो लेकिन वो चीज़ नहीं समझ रहा है, तो हमें तरकीब अपनाना चाहिए, ईजीली टेक्निक अपनाना चाहिए, ऑल टाइम फोर्सफुल्ली किसी को अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है रिएक्शन उल्टा हो जाए, वो आपके बात समझने की बजाय हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस में रहे, जो यहाँ पे मिस्टर हैमिल और फ्रांस के बीच में हुआ। तो यही था इस चैप्टर की समरी, आई होप आपको ये सच समझ में आया होगा। इसके बाद आपको एक इसी समरी की एक नोट भी मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लेना, और फिर हम डिस्कस करेंगे अपना मोरल और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। सो अभी हमने ये देख लिया कि हमने लास्ट लेसन के अंदर अबाउट द राइटर के बारे में स्टडी किया, ठीक है, मीनिंग्स के बारे में स्टडी किया, कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, सेंट्रल आइडिया के बारे में स्टडी किया, और समरी के बारे में स्टडी किया, मतलब पूरे कहानी हम जड़ से निकाल कर समझ चुके हैं कि ये जो लास्ट लेसन है इसका राइटर था अल्फोंसी डॉटेट, इसके अंदर जो टफ टफ मीनिंग्स था वो भी हमने स्टडी कर लिया, इस कहानी के अंदर कौन कौन वो है जिन्होंने एक्टिंग किया है यानी जिसका नाम मेंशन है वो भी हमने स्टडी किया, साथ में हमने सेंट्रल आइडिया यानी इस कहानी को शॉर्ट में कैसे समझेंगे कभी अगर एग्जाम में आता है तो वो भी हमने स्टडी किया, और समरी यानी पूरे कहानी को डिटेल में समझे हमने कि किस प्रकार फ्रांस स्कूल से भागता था बिकॉज ऑफ उसके टीचर उनको पनिशमेंट देने के लिए रेडी रहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कैसे फ्रांस अपने आप को बदल लिए, कैसे मिस्टर हैमिल स्ट्रिक्ट टीचर से एक नॉर्मल टीचर हो गए, और कैसे दोनों के बीच में एक मातृभाषा के लिए प्यार उभर आए। यानी ये जो कहानी है ये रियल स्टोरी है, सोचो आज हम यहाँ पर है, कल हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश अगर आ जाता है और हमको ऐसा फील होता है कि हिंदी बातें आज नहीं लास्ट कर पाएंगे, कल से हम हिंदी बातें नहीं कर पाएंगे, कल से हमारे बुक संस्कृत में नहीं होगा, तो कैसा फील होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपना अपना ही होता है, एक अधिकार होता है। तो ये चीज़ भी चीज़ हमने सीख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ तो आपके एग्ज़ाम में आएगा,
और एग्जाम तो एक साल होता है, 12th के बाद आप फिर क्या करोगे, अगले साल तो आज कॉलेज में चले जाओगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप साथ में लेकर जाओगे? बुक्स तो आप यहाँ पर छोड़ दोगे, घर पर छोड़ दोगे, फेयर कॉपी आप घर पर छोड़ देंगे। तो वॉट विल दैट थिंग बी दैट विल मेक यू द बेस्ट, तो वो है मोरल, यानी इस कहानी से आपने एक्चुअल में क्या सीखा। देखो स्टडी दो टाइप से होता है, एक स्टडी होता है कि जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा, आप अच्छे परसेंटेज लेकर आओगे, और एक स्टडी होता है जिससे आपकी परसेंटेज तो अच्छा नहीं होगा लेकिन आपके अंदर ह्यूमिनिटी आ जाए, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है। तो मोरल्स हमारे लाइफ में वहाँ पर काम है जो आपके लाइफ में जीवन भर काम है। इस कहानी से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। आपने जो चीज़ सीखा है आप मुझे कमेंट करके लिखना कि सर मैंने इस कहानी से ये सीखा है, मुझे भी अच्छा लगेगा, हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख जाऊँ। मैंने जो चीज़ सीखा है इस कहानी से जो मेन है वो ये है कि नेवर पुट एनी वर्क फॉर टुमारो, कल के लिए कोई भी काम मत डालो, जो काम करना है आज का। यहाँ पर फ्रांस जो था उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो हमेशा क्या करता था, कल के लिए काम को टाल देता था, लेकिन उसको उस काम के लिए इम्पोर्टेंस क्या समझ में आया जब वो काम उसके हाथ से निकलने वाला था। यानी उसके टीचर उसको पढ़ाने के लिए बोलता था, पढ़ने के लिए बोलता था कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट फ्रांस ऑलवेज टीचर को इग्नोर करता था ये सोचकर कि मेरा जो टीचर है काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है। लेकिन वो कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं किया कि मेरे टीचर मुझे मारते तो है, मैं तो गलती करता हूँ, लेकिन मेरे टीचर मुझको क्यों कह रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ो। इसी प्रकार मिस्टर हैमिल को भी ये चीज़ समझ में कभी नहीं आया कि आज मैं एक स्टूडेंट को मार तो रहा हूँ लेकिन क्या मैं कभी एक बार ट्राई तो करूँ उसको समझाने की। देखो लास्ट मोमेंट में फ्रांस को समझ में खुद ही आ गया था जबकि उस दिन टीचर ने उसको मारा भी नहीं था। अब बाकी दिन देखो टीचर उसको मारते थे लेकिन फ्रांस को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मिस्टर हैमिल को भी, मिस्टर हैमिल से हमने ये सीखा कि कई बार किसी को समझाने के लिए थोड़ी बहुत रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, सामने वालों को रियलाइज़ करो। एक बार उसको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो काम हम खुद ही कर लेंगे, हमें उस काम को करने के लिए किसी को दबाव नहीं डालना पड़ेगा। अब जब तक हमको किसी काम के लिए रियलाइज़ नहीं होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक कोई हमको कितना भी फोकस करे, कितने भी फोर्स करें, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टोरी से तो हमने यह सीखा कि अगर फ्रांस की तरफ से देखें तो कभी भी कोई काम के लिए टालो मत। दूसरा हम ये भी सीख सकते हैं कि जो चीज़ आज हमारे पास है उसका इम्पोर्टेंस देना सीखो, नहीं तो कल यह हमारे हाथ से चला जाएगा, उस समय रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। और थर्ड हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी से कोई काम करवाओ तो उसको पहले रियलाइज़ करो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ही सामने वाला देखना खुद ही। तो ये तीन थॉट आप अपने लाइफ में फॉलो करना, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप उसको यूज़ करो, और कल 12th क्लासेस के बाद आपके जीवन में नया रोशनी आएगा। क्या आप बोल सकते हो कि लास्ट लेसन से मेरा कोई क्वेश्चन आंसर आया तो नहीं है, लेकिन हमने ये सीखा, राइट? सो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास का राइटर स्टडी कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मीनिंग्स स्टडी कर लिए, और एग्जाम्स के लिए कैरेक्टर सेंट्रल और समरी, और हमारी इंसानियत अच्छी हो इसके लिए हमने मोरल्स स्टडी कर लिए। अब हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पूरी कहानी में हमने कितना सीखा है। दो फायदा होता है, राइट, कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना था इस लेक्चर को सुनने के, और साथ में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड में डिस्कशंस कुछ करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। सो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, हमने जैसे डिस्कशन किया, और अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर का दो फायदा होता है, एक तो फायदा होता है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपका जो भी टारगेट है, चाहे पास होने का टारगेट है या फिर अच्छे परसेंटेज लाने का टारगेट है या टॉप होने का टारगेट, एक तो वो पूरा हो जाता है। दूसरा इसमें ये भी बेनिफिट होता है
कि जब एक टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे या फिर अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंड कितना स्ट्रांग था वो हमको क्वेश्चन आंसर से पता चलता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, ये हमको इसमें पता चलता है। सी, आप कभी भी ना कोई भी काम करो तो अपने काम को किसी काम के साथ कनेक्ट कर दो, उससे क्या होगा, उस काम में इंटरेस्ट और ज्यादा आने लगेगा। आप जब क्वेश्चन आंसर करो तो ये सोचकर मत करो कि ये एग्जाम में आए, उससे क्या होगा, आपको काम में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि चलो देखते हैं कि मेरा माइंड कितने स्ट्रांग है, क्या मैंने पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद अगर इसमें जो भी क्वेश्चन आता है क्या मैं उसका आंसर दे सकती हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, अगर ये थिंकिंग आ जाए ना, तो बड़े से बड़े चैप्टर आप पढ़ के बड़ी आसानी से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी माइंड की सवाल है, आपकी इमेज का सवाल। तो आज हम देखेंगे कि मैंने आपको जो भी कुछ पढ़ाया है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है ये सब शॉर्ट टाइप आंसर है, यानी एक एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो आप, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आप वहां पर समझना कि क्या इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, लेकिन इसका एक कंप्यूटर फॉर्मेट भी अभी आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद, थोड़ी देर बाद ही, तो आप उसको देख देख कर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लेट्स चेकिंग करते हैं कि अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ाई की क्या हमको वो सारे चैप्टर समझ में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वॉज फ्रांस, फ्रांस कौन थे? तो आपको सबको पता है कि फ्रांस कौन था, फ्रांस एक स्टूडेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल कौन थे? तो मिस्टर हैमल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिस्टर हैमल एक स्ट्रिक्ट फ्रेंच लैंग्वेज टीचर था। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चन हमारे समरी में था। थर्ड नंबर हु वॉज बिस्मार्क, बिस्मार्क कौन था? तो ये भी मैंने समरी सेंट्रल आइडिया में समझाया है कि बिस्मार्क एक रशियन सोल्जर लीडर था। फोर्थ नंबर है हु वॉज राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, बहुत ही सबसे पहला पार्ट मैंने भले ही फोर्थ में लिखा कि लास्ट लेसन का राइटर कौन था, अल्फोंस डॉटेट वॉज राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, तो ये भी हो गया। फिफ्थ नंबर वॉट वॉज द लास्ट मैसेज फ्रॉम मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल के तरफ से लास्ट मैसेज क्या था? वीवा लवर्स से। ठीक है, तो एक ये भी मैसेज हमने देखा। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर हैमल गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स एज होमवर्क, मिस्टर हैमल ने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क के हिसाब से क्या दिया था? तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा समरी में, आप देखना। नेक्स्ट है वेयर वॉज क्राउडेड गैदर्ड, उस सारी भीड़ कहाँ पर इकट्ठा हुई, तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच एल्स डिस्ट्रिक्ट वर टेकन अंडर रशियन, रशियन के अंडर में वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जो कब्जा हो गया, तो इसका भी आपको पता है आंसर। अगर नहीं पता है तो इसकी वीडियो में एक कंप्यूटर फॉर्मेट मिलेगा सारे क्वेश्चंस का, तो वो आप देख लेंगे। तो ये हो गया शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अभी यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि आपको याद करने में आसान। तो आप इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन इसको याद कर लेना और अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे उसको भी आप याद कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपका जो लास्ट लेसन का चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, बाकी का आपका माइंड, बाकी का आपका प्रैक्टिस। ठीक है, सो हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो माई डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आंसर्स का एक पार्ट कंप्लीट किया था जिसका नाम था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, यानी जिसमें हमने छोटा छोटा क्वेश्चन यानी एक लाइन का जो आंसर होते हैं वो हमने कंप्लीट किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अ लॉन्ग आंसर टाइप, या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं जैसे जो हमारे बुक्स के अंदर है, राइट? जो बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है या फिर जो बुक्स में सिलेबस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है
वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके बुक्स में से मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या ऐसा मेंशन किया गया था, क्या लिखा हुआ था, क्या मैसेज था। तो मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिख रखा है, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर इट हैड बीन ऑर्डर, एक ऑर्डर लिखा गया था दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल, यानी स्कूल में कल से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा। दिस ऑर्डर वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रशिया, यानी ये जो ऑर्डर था जो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा गया था ये रशिया गवर्नमेंट का था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके बुक्स में वो अब हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक कंप्यूटर फॉर्मेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसको देख देख कर याद कर सकते हैं या फिर उसको देख कर आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बिल्कुल कोई भी वर्ड को डायरेक्ट रटना नहीं है, डोंट बी अ पैरट, आपको इसको रट रट के याद नहीं करना है, आपको इसको समझना है, एक एक वर्ड को समझना है एंड देन आफ्टर इसको याद करना है। इफ़ योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड तो आप तो आसानी से कर लेंगे, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप एक एक वर्ड को समझे और फिर इसको याद करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव टू राइट ईजी लैंग्वेज, मैं ईजी लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करूँगा जिससे आपको याद करने में आसान हो। सो इस ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे, सो लेट्स हैव अ लुक।